सबको जय मसीह की। क्लास नंबर ये 11 है और अध्याय 6 को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें बाइबल में पूछे जाने वाले सवालों के उत्तर दिए जा रहे हैं, जिनमें से टोटल 14 सवाल हैं और 10 और 11 क्लास में हम लोगों ने 8 सवालों को कवर करना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 सवालों को क्या है कवर किया है, तो 3 क्वेश्चन बाकी हैं। जैसे और इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे अगर कोई हमसे बाइबल से विषय में पूछता है तो हमें पहला पत्रस 3:15 के अनुसार नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय के साथ क्या है उनको उत्तर देना है। और हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ये था कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि परमेश्वर अस्तित्व में है। जैसे मैंने कहा था कि एक डिज़ाइनर के रूप में पहाड़ों को देखकर, आकाशमंडल को देखकर, सारी चीज़ों को देखकर हम लोग क्या है जानते हैं, और घड़ी का भी एग्जांपल दिया था। दूसरा था नैतिक तर्क, और दूसरा क्वेश्चन तो हम लोगों ने पूछा था, क्लियर कवर किया था, वो ये था कि परमेश्वर कहाँ से आया और पृथ्वी का निर्माण करने से पहले वो कहाँ पर था, तो हम लोगों ने उसको भी कवर किया कि बहुत सारी भविष्यवाणियों के द्वारा पता चलता है जो कि अन्य धर्मों में नहीं मिलती है। फिर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन कवर किया था कि आज इतनी सारी धार्मिक किताबें हैं तो पवित्र होने का दावा, जैसे हिंदू मुसलमान के बहुत सारे ग्रंथ हैं, हिंदू के धर्म हैं, सिख का धर्म आता है, फिर हम क्यों कहते हैं कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन था, उसको हम लोगों ने कवर किया। चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था कि सारी किताबें, सारी धार्मिक किताबें एक ही सिखाती हैं, जबकि हम कहते हैं कि सारी किताबें एक नहीं, तो हम लोगों ने हिंदू धर्म की किताब और मुस्लिम धर्म की किताब में कंपैरिजन किया था कि हिंदू धर्म कहता है कि सब में परमेश्वर है, जबकि इस्लाम धर्म कहता है कि परमेश्वर जो है एक शासक है, वो न्याय करने वाला है, जो उसको मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा, नहीं जाएगा। तो पांचवा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था कि मैं हिंदू धर्म में या सिख धर्म में या मुसलमान में पैदा हुआ हूँ, क्यों मैं यीशु पर विश्वास करूँ, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे हिंदू धर्म में और मुसलमान में यीशु मसीह के बारे में ही बताया, फ़र्क नहीं पड़ता हम कहाँ पैदा हुए हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि हम स्वर्ग जाने के लिए क्या परमेश्वर को खोजते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया था, अगर उसने दावा किया था तो मुझे इसका विश्वास क्यों होना चाहिए। तो पिछली कुछ क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि यीशु मसीह ने परमेश्वर होने का दावा किया, ओके, फिर भी हम इसको कवर करेंगे। तो उत्तर है, धार्मिक अगुओं में जो पूरे इतिहास में बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं, यीशु मसीह एक तथ्य में अनोखा है कि अकेले ही मानव देह में परमेश्वर होने का दावा करता है। आम एक धारणा कि दुनिया में कई धर्मों में कुछ या कई अगुओं ने ऐसा ही दावा किया था, लेकिन ये मामला नहीं है। बुद्ध ने परमेश्वर होने का दावा नहीं किया, मूसा ने कभी नहीं कहा कि वो यहोवा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मूसा ने नहीं कहा, मोहम्मद ने खुद अल्लाह के रूप में नहीं पहचाना, और कभी अपने अहरों माजदा होने का दावा करने वाले जोरस्टर मिलेगा। फिर भी नासरत में बड़ी हुई यीशु ने कहा, जिससे उसने कहा, यीशु ने कहा उसने पिता को देखा है, यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, यूहन्ना 14:9 में हम पढ़ते हैं। मसीह के दावे कई तरह से अलग हैं, उसने कहा था वह अब्राहम से पहले है, जैसे 8:58 में हम लोग पढ़ते हैं, उसने कहा वह पिता, यूहन्ना 5:17-18 के बराबर है, यीशु ने पापों को क्षमा करने की क्षमता का दावा किया, मार्कुस 2:5-7 में, जो बाइबल सिखाती है, जो ऐसा कुछ था जो केवल परमेश्वर ही कर सकता था, यशायाह 43:25 में हम लोग पढ़ते हैं। नए नियम में यीशु को जगत का सृष्टिकर्ता यूहन्ना 1:3 में माना गया है, वह जो सब कुछ एक साथ रखता है, सब कुछ एक साथ रखता है, कुलोसियों 1:17 में लिखा है, पहला तिमोथियुस 3:16 में कि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। यूहन्ना सुसमाचार कहता है कि वचन परमेश्वर था, पर जो वचन कौन है, यीशु, यूहन्ना 1:1 में हम लोग पढ़ते हैं। ना केवल उसने अपने मित्रों ने ये ध्यान किया, उसने परमेश्वर होने का दावा किया था, लेकिन उसके दुश्मनों ने भी इसके विषय में बताया कि वो परमेश्वर था, लेकिन यहूदी अधिकारियों की ओर से कोई संदेह नहीं था।
याद रखो, यहूदी इतिहास में कभी भी यीशु मसीह की वंशावली के ऊपर कभी भी कोई संदेह नहीं किया, उसके कामों के ऊपर उनको संदेह था, क्योंकि वो जानते थे कि अब्राहम और राजा दाऊद के वंश से ही मसीहा आएगा। जब यीशु ने उनसे पूछा कि उसे क्यों पथराव करना चाहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर कहता है, यूहन्ना 10:33 में हम पढ़ते हैं। तो अभी हम ये प्रूव कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर होने का दावा किया था, उन दावों के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। यह तथ्य यीशु को अन्य धार्मिक व्यक्तियों से अलग करता है। दुनिया के प्रमुख धर्मों में शिक्षक नहीं, शिक्षा महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है। कन्फ्यूजीवाद शिक्षाओं का एक समूह है, कन्फ्यूशियस महत्वपूर्ण नहीं है। इस्लाम अल्लाह का प्रकाशन है, मोहम्मद भविष्यकर्ता होने के साथ, और बौद्ध धर्म बुद्ध के सिद्धांतों पर जोर देता है, पर बुद्ध पर नहीं। ये विशेष रूप से हिंदू धर्म का सच है, जहाँ कोई इतिहासक संस्थापक नहीं है। हालांकि मसीही धर्म में केंद्र में यीशु मसीह एक व्यक्ति है, यीशु ने सिर्फ मानव जाति के सच्चाई सिखाने का दावा नहीं किया, बल्कि उसने दावा किया है कि वह सत्य है, यूहन्ना 14:6 में। यीशु ने सिखाया कि वह मसीही धर्म का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है कि यीशु कौन था, क्या वह परमेश्वर का पुत्र था, क्या वह एकमात्र तरीका है जिसके कोई व्यक्ति परमेश्वर तक पहुँच सकता है। वह ये दावा था जो उसने स्वयं के लिए किया था। उसने कहा कि मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ, और इस दावा को सिर्फ यीशु मसीह ने किया और किसी ने ये बातें नहीं की। मान लीजिए आज रात को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति सभी प्रमुख नेटवर्कों पर प्रकट हो और घोषणा करे कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, मेरे पाप को क्षमा करने की शक्ति है, मेरे पाप मेरे जीवन को मृतकों से वापस लाने का अधिकार है, उसे जल्दी से और चुपचाप नेटवर्क से काट दिया जाए, दूर ले जाया जाए, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, जो भी ऐसे दावों के कारण की हिम्मत करेगा, जहाँ तो उसका दिमाग खराब होगा या झूठा होगा, जहाँ जब तक वह स्वयं परमेश्वर ना हो। अगर जैसे एग्जाम्पल दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति की, वो खुद कहे कि मैं पापों को क्षमा करने वाला हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? या तो वो व्यक्ति पागल हो सकता है, या वो झूठा हो सकता है। ये वास्तव में यीशु के साथ है, उसने स्पष्ट रूप से इन सभी चीज़ों को और इससे भी अधिक दावा किया। यदि वह परमेश्वर है जैसा कि उसने दावा किया, हम उसे विश्वास करना चाहिए, और यदि वह नहीं है तो हमें उसके साथ कुछ भी संबंध नहीं रखना चाहिए। यीशु या तो सभी का परमेश्वर है या बिल्कुल नहीं है, बीच में नहीं लटका, या तो वो परमेश्वर है या नहीं है। हाँ, यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया, किसी को भी ऐसा क्यों मानना चाहिए? इस सब के बाद केवल कुछ होने का दावा करने से वह सच नहीं होता। यीशु परमेश्वर है, इसके क्या सबूत हैं? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, तो उसके सबूत भी तो होने चाहिए। तो अभी सबूत क्या है वो हम देखेंगे। बाइबल में चमत्कार और पूर्ण भविष्यवाणियाँ सहित कई कारण बताए गए हैं जो हमें ये समझने का इरादा करते हैं कि यीशु ही वह है जिसने कहा था कि वे परमेश्वर था। यूहन्ना 20:30-31 में वो लिखा है, मुख्य कारण या चिन्ह जब यीशु ने खुद कहा वह प्रदर्शित करेगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है, मरे हुए में से उसका जी उठना, ये चिन्ह था, क्योंकि परमेश्वर कब्रों में नहीं रहता, मूर्तों में से वो जिंदा हुआ। जब धार्मिक नेता उसके चिन्ह मांगते, तो यीशु ने उत्तर दिया, यूहन्ना 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा, मत्ती 12:40 में। एक जगह में जब एक संकेत के लिए उसे पूछा कि इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, परंतु उसने इसे अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, यूहन्ना की किताब अध्याय 2:19-21 में लिखा है। तो ये कुछ सबूत पेश कर रहा है यीशु मसीह परमेश्वर होने के दावे के रूप में। मृतकों से अपने जीवन को वापस लाने की क्षमता का ये संकेत था कि केवल अन्य सभी धार्मिक अगुओं से, बल्कि किसी और से भी अलग है जो कभी भी जीवित रहे हैं। यीशु मसीह ही मुर्दों में से जिंदा हुआ, और उसने ही मुर्दों को जिलाया, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया।
मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ सिर्फ यीशु है और कोई भी नहीं है। ये हमारी एक सबसे बड़ा सबूत है। मसीहत के मामले को खर्च करने के इच्छुक व्यक्ति को पुनरुत्थान की कहानी को समझाना चाहिए। इसलिए बाइबल के अनुसार मृतक यीशु मृतकों से वापस आकर परमेश्वर का पुत्र साबित हुआ। रोमियों की किताब अध्याय 1:4। सबूत बहुत भारी है, यीशु कब्र में से जी उठे। ये इस तथ्य से है कि यीशु को परमेश्वर माना जाता है। तो हम यीशु के पुनरुत्थान के बारे में ये प्रूफ कर सकते हैं कि वही परमेश्वर का बेटा है और वही परमेश्वर है। तो सवाल नंबर 7, हम कैसे जानते हैं कि यीशु मरो में से जी उठा? उत्तर, सौभाग्य से प्राचीन दुनिया में सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित घटनाओं में से एक मरे हुए में से यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। जब उसके दिन धार्मिक अगुए ने सामना किया तो यीशु ने ये संकेत किया, चिन्ह मांगा था कि वह वादा भी किया कि वादा किया हुआ मसीहा था। हमारी क्लास आती है अपोलोजेटिक्स, उसमें आपको बारीकी से मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि आप अपोलोजेटिक्स क्लास को जरूर करें। तो यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में छोटी छोटी डिटेल क्या है आप लोगों को उस क्लास में बताई जाएगी। पर उनमें से कुछ बातों को हम आज यहाँ पर देखेंगे कि यीशु मरे हुए में से जी उठा। कुछ लोग सवाल पूछते हैं क्या ये सच भी है? उसने उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यकर्ता को चिन्ह को छोड़ कोई जोना भविष्यकर्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह ना दिया जाएगा। जोना तीन दिन रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मत्ती 12:39 लिखा है। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। रोमियो 1:4 के अनुसार गवाहों के द्वारा उसका दिखाना हमारे लिए दर्ज किया गया है सुसमाचार। यीशु ने अपनी सार्वजनिक क्रूस की मृत्यु के बाद 40 दिनों तक जिंदा रहा और लोगों को दिखाई दिया शास्त्रियों खाते के रूप में। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत ही बड़े प्रमाणों को अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें सुनाता रहा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:3 के अनुसार 56 ईसा के बाद यीशु के पुनरुत्थान के लगभग 20 साल बाद यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 20 साल बाद प्रेरित पौलुस ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि 500 से ज़्यादा लोगों ने एक समय में पुनरुत्थान किए हुए यीशु मसीह को देखा। उनमें से अधिकांश लोग अब भी जीवित हैं, उसने 1 कुरिन्थियों 15:6 में लिखा है। ये बयान उन लोगों के लिए चुनौती है जिन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि पौलुस ये कह रहा है कि अभी तक बहुत से लोग जीवित हैं जो बता सकते हैं कि मसीह वास्तव में जी उठा है। ऐतिहासिक प्रमाण ईमानदार पूछताछ करने वाले की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। एक नास्तिक पत्रकार फ्रैंक मार्शल ने मसीह के जी उठने के बारे में किताब लिखने का प्रयास किया। 10 वर्ष के शोध और वितरांत जांचने के बाद उसकी राय बदल गई और वह यीशु मसीह में विश्वासी बन गया। मार्शल ने पाया कि शुक्रवार को मसीह की सार्वजनिक रूप से कब्र में रखा गया, लेकिन रविवार की सुबह शरीर गायब हो गया था। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे हम झुठला नहीं सकते। मार्शल ने तर्क इस तरह से चले, अगर वे मरे हुए में से जी नहीं उठता तो किसी ने शरीर को नहीं निकाला होगा। उन्होंने आगे तर्क दिया 3 हत्समूह में जो शायद शरीर को ले जा सकते थे, रोमी यहूदी या उसके चेले। तो अगर किसी ने यीशु मसीह के शरीर को चुराना था, 3 लोग थे, या तो रोमी या यहूदी या उसके चेले। देखते हैं आगे क्या होता है। रोमियों के पास शरीर चोरी करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वे फलस्तीन में शांति बनाए रखना चाहते थे। ये विचार प्रांतों में संभव चुप्पी रहता था और मसीह के शरीर को चोरी करने का उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। रोमी लोग जो थे वो फलस्तीन में क्या है, शांति रखना चाहते थे, इसलिए उसने चोरी नहीं किया। दूसरे आते हैं यहूदी ने शरीर नहीं लिया होगा, क्योंकि आखिरी बात वे चाहते थे कि पुनरुत्थान की घोषणा हो। मत्ती 27 के अनुसार उन्होंने पहरेदार मांगे थे, वो पुनरुत्थान को देखना चाहते थे यहूदी लोग, कि उसकी घोषणा हो। यीशु के चेलों के बारे में, यीशु के चेलों के पास शरीर चोरी करने का कोई कारण नहीं था। यदि वे करते तो बाद में वे कुछ ऐसी चीज़ों के लिए मरते जो सत्य नहीं था। इसके अलावा जो धर्म
उन्हें घोषित किया, वे सच्चाई बोलने पर और झूठ नहीं बोलने पर जोर देते थे। उनके कार्य से हम असंगत होता है जिससे वे सच्चा मानते थे और दूसरों को पालन करने का आदेश देते थे। तो केवल अन्य उचित स्पष्टीकरण ये है कि मसीह जी उठा और गवाहों और गवाह ये स्पष्ट रूप से है कि वास्तव में मामला क्या है। यीशु के चेले वैज्ञानिक ज्ञान के दायरे में एक 21 शताब्दी के इंसान के रूप में प्रतिकृष्ट नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से किसी के बीच का अंतर पाता तो मृत्यु था और जो नहीं था। जैसा कि शमौन पत्रस ने कहा, जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया था तो वह चतुराव से गढ़ी कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उन्हें प्रताप को देखा है। तो पत्रस कहने का मतलब ये है, दूसरा पत्रस 1:16 में, कि हमारी जो बातें हैं, जो सुसमाचार दिया है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह के साथ समय बिताया है व्यक्तिगत, और उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को उन्होंने देखा है। तो इस बात को सच्चाई जो पुनरुत्थान के विषय में है, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपोलोजेटिक्स की जो क्लास है उसको जरूर करें, तो आपको वो बाइबल को समझने में और भी ज़्यादा उत्साहित करेगी। बहुत सारे प्रमाण जो हैं उसके पुनरुत्थान के विषय में दिए गए हैं और बड़ी सटीकता के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8, परमेश्वर को पाने का एकमात्र तरीका सिर्फ यीशु क्यों है? आइए हम जानते हैं कैसे। लोग पूछते हैं यीशु के बारे में इतना खास क्या है, क्यों वो एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा कोई परमेश्वर को जान सकता है। यीशु के बारे में इतना खास क्यों है कि एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा कोई परमेश्वर को जान सकता है। हम अक्सर दिमाग के हो जाते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि परमेश्वर के पास जाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप निम्न अनुसार जवाब दे सकते हैं। ओके, अच्छा मेरे दोस्त, मैंने यीशु को एकमात्र तरीका होने के दावे का आविष्कार नहीं किया, ये मेरा दावा नहीं है, उसका वादा है। यीशु पर विश्वास करना कोई हमारा दावा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का वादा है। हम मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं, माफ करना। क्योंकि यीशु ने खुद दावा किया है यूहन्ना की किताब अध्याय 14:6 में कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और यूहन्ना की, यदि तुम विश्वास ना करोगे मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे, यूहन्ना की किताब अध्याय 8:24 में यीशु मसीह ने कहा। प्रेरित पत्रस ने ये शब्द कहे और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 4:12 में। प्रेरित पौलुस ने सहमति व्यक्त की क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है, 1 तिमोथियुस 2:5 में लिखा है। इसलिए नए नियम का संयुक्त शास्त्र ये है कि यीशु मसीह के व्यक्ति के अलावा कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। वह समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें शुरुआत में वापस जाना चाहिए। एक अनंत व्यक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उत्पत्ति 1:1 में हम पढ़ते हैं। मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उत्पत्ति 1:26 में। जब उसने सब बना लिया तो सब कुछ अच्छा था, उत्पत्ति 1:31 में। पुरुष और स्त्री को उसकी सभी जरूरतों के लिए ध्यान रखने के लिए अनुकूल वातावरण दिया। उन्होंने केवल एक ही विशेषण दी गई थी, उन्हें अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल नहीं खाने थे, नहीं तो वो मर जाएंगे, उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने उनसे कहा। पर उन्होंने वृक्ष का फल उत्पत्ति 3 में खाया और परिणाम 4 अलग अलग क्षेत्रों का पतन हो गया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध टूट गया। आदम और हवा ने परमेश्वर से छुपने की कोशिश की, ये देखा जा सकता है उत्पत्ति 3:8 में। पुरुष और उसके सहायक के बीच का संबंध टूट गया। आदम और हवा दोनों में बहस की और एक दूसरे को दोष लगाने का प्रयास किया, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:12-13 में हम पढ़ते हैं। मनुष्य और
प्रकृति के बीच का बंधन भी टूट गया। वह तेरे लिए कांटे और ऊंटकारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। मतलब परमेश्वर पाप करने के बाद क्या हो रहा है उसके विषय में बताया जा रहा है। उत्पत्ति 3:17-18 में पुरुष भी खुद से अकेले हो गया, शून्यता और अपूर्णता की भावना के साथ। उस गिरावट के से पहले ऐसा कुछ असंभव अनुभव नहीं किया गया था। हालांकि परमेश्वर ने इन सभी चीजों को सही बनाने का वादा किया और अपना वादा शब्द दिया कि वह एक उद्धारकर्ता जा मसीहा भेजेगा जो पाप के बंधन उत्पत्ति 3:15 पूरे संसार में उद्धारकर्ता के रूप में करेगा। पुराने नियम में इस विषय को दोहराते हुए कहा, एक दिन वह दुनिया में आएगा और मानव जाति को मुक्त करेगा। तो यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से आए, क्यों आए? उत्पत्ति 3 में आदम हवा को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया था, पर उनके आज्ञा पालन ना करने से पूरी दुनिया में पाप फैल गया। पिता और आदम में जो संगति टूट गई थी, उस संगति को जोड़ने के लिए यीशु मसीह का क्रूस पर आना जरूरी था। परमेश्वर का वचन और उसका वादा भी परमेश्वर ने किया। उत्पत्ति 3:15 में हम लोग देखते हैं कि तेरे द्वारा एक उद्धार करता आएगा। परमेश्वर का वचन वास्तव में सच्चा हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह जो है ना 1:14-29 में एक व्यक्ति बन गया। यीशु अंत हमारे स्थान पर मर गया ताकि हम फिर से परमेश्वर के साथ एक सही संबंध का आनंद ले सके। बाइबल कहती है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप करा दिया और उन्होंने अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बढ़ जाए। 2 Corinthians 5:19-21 में लिखा है, यीशु ने रास्ता बनाया। हम क्वेश्चन ये पूछा था कि परमेश्वर यीशु मसीह ही परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र रास्ता यीशु क्यों है, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। यीशु ने रास्ता बनाया। परमेश्वर ने ये साबित किया कि हमारी जिम्मेदारी इस तथ्य को स्वीकार करना है कि हम यीशु के काम में जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब हमारे लिए पहले से ही किया गया था। अगर मनुष्य अन्य तरीकों से परमेश्वर तक पहुंच सकता तो यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ता? उसकी मृत्यु इस तथ्य को दिखाती है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कई धर्म या धार्मिक अगुआ किसी को एक सच्चे परमेश्वर के ज्ञान में नहीं ला सकते। लेकिन यीशु की मृत्यु कहानी का अंत नहीं है। आइए हम ये बताएं कि हम यीशु को अन्य धार्मिक अगुओं से अधिक क्यों पसंद करते हैं। मान लीजिए हम में से एक समूह बहुत घने जंगल में यात्रा कर रहा है। जब हम जंगल में गहरे में जाते हैं तो हम खो जाते हैं, ये समझते हुए कि गलत रास्ता लेने का मतलब हो सकता है अपने जीवन को खो देना। हम डरने लगेंगे, हालांकि हम जल्द ही ध्यान देते हैं कि आगे कुछ दूरी पर यहाँ रास्ते का विभाजन होता है। वहाँ सड़क बंटवारे पर दो मानव आकृति दिखाई देती हैं। हम उन लोगों के पास भागते हैं और देखते हैं कि एक ने बगीचे के माली की वर्दी पहनी है और वहाँ पूरी तरह से स्वस्थ और जीवित है। दूसरा व्यक्ति मरे हुए जैसे नीचे खड़ा हुआ है, मृतक। अब हम इनमें से किससे बाहर जाने का रास्ता पूछेंगे? जाहिर है जो जीवित है। जब अनंत मामलों की बात आती है तो हम उस व्यक्ति से पूछने जा रहे हैं जो जीवित है। ये मोहम्मद नहीं है, कन्फ्यूशियस नहीं है, लेकिन यीशु मसीह है। यीशु आदित्य है, वह मरे हुए में से वापस आया। ये दर्शाता है कि वही है जिसने दावा किया रोमियो 1:4 में परमेश्वर का पवित्र पुत्र और एकमात्र तरीका जिससे एक व्यक्ति सच्चे और जीवित परमेश्वर के साथ अंतर के एक व्यक्तिगत संबंध रखता है। सिंपल शब्दों में यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि दुनिया में मरे हुए में से कोई भी जिंदा नहीं हुआ। आज यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है और रोमियो 8 के अनुसार वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में है। तो अगर हम जंगल में भटक जाएं, दो व्यक्ति हमारे सामने हैं, एक मरे हुए की मृतक है और एक जीवित, तो आप किससे रास्ता पूछोगे? वही व्यक्ति से पूछोगे ना जो जीवित है। तो यीशु मसीह आज जीवित है, उससे से ही हमें पता चलता है कि हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। तो एकमात्र रास्ता क्या है? यीशु मसीह है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इन प्रश्नों को जरूर उत्तर दे सकते हैं।
और मैं आप लोगों को उसको रेकमेंड करूंगा कि इसके नोट्स जरूर लीजिए, क्योंकि ये पूरी किताब जो है पास्टर काल की किताब है, इस किताब को आप जरूर लीजिए। बुनियादी सच्चाइयों की किताब है, आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि समय की कमी के कारण मैं पूरी डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है असाइनमेंट टाइम पर कीजिए, क्योंकि असाइनमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग क्या है परमेश्वर को और भी गहराई से जानें। और आई होप कि आप ऑलरेडी कर रहे हो सारा असाइनमेंट। तो आज की क्लास का जो असाइनमेंट है तो आप लोगों ने दो क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। पहला है, मसीही संदेश के बारे में जवाब देने के बारे में प्रेरित पत्रस, पहला पत्रस 3:15 में क्या कहता है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति हमारे बारे में पूछता है तो हमें उसको उत्तर कैसे देना है। आपको वो लिखना है 3-4 लाइनों में, और ये वचन भी लिखना है, मसीही संदेश के बारे में जवाब देने के बारे में प्रेरित पत्रस पहला पत्रस 3:15 में क्या कहता है। इसको आप 3-4 लाइनों में लिखें और ये वचन भी जरूर लिखें। ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रत्येक 3 वाक्यों में लिखें, नीचे लिखे गए के बारे में प्रत्येक 3 वाक्यों में बताएं कि हम क्यों मानते हैं कि परमेश्वर मौजूद है। पहला डिजाइनर के रूप में, दूसरा नैतिक तर्क। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रत्येक 3 वाक्यों में बताएं कि हम क्यों मानती हैं कि परमेश्वर मौजूद है। चित्रकार डिजाइनर के रूप में, दूसरा नैतिक तर्क। तो आप उसका उत्तर 3-4 लाइनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनों में हमें बता सकते हैं। और एक ये भी लिखना है 2-4 लाइनों में कि आप इस क्लास के द्वारा क्या सीखे और परमेश्वर ने आपसे व्यक्तिगत जो पर्सनल आपसे बातें की है वो क्या है, वो जरूर लिखिए, क्योंकि हर क्लास का मकसद होता है कि परमेश्वर आप लोगों को कुछ व्यक्तिगत सिखाना चाहता है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अध्याय 7 में हम लोग मिलेंगे, जो बाकी के 8 क्वेश्चन हैं हम उन क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। तो ये प्रार्थना करते, पिता हम धन्यवाद करते समय के लिए प्रभु, जो भी अब तक हमने 6 अध्यायों को कवर किया है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी अध्यायों को पूरा करने में आप हमारी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। हमें समझने का बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर, कि हम सीखे समझे और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रभु जितने भी लोग क्लासेस ले रहे हैं या बीच में से छूट गई है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि सबके मनों को बनाए रखना, कि जिन्होंने क्लास को शुरू किया है वो क्लास को पूरा कर सके पिता। और जब भी वो क्लास करते हैं तो प्रभु शैतान की कोई भी चाल उनको ना भटकाने पाए। मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इस कोरोना वायरस के समय में आप सब लोगों को संभाल कर रखना, उनके परिवारों को संभाल कर रखना, सारी जरूरतों को पूरा करना। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।